Kilo, but the Pakistani kilo, we are part and parcel of this entire issue. It is up to you. आप मुझे गाइड कराइए कि सब और किस तरीके से सब कहाँ जाएं। Do you want to walk and take a short picture or do you want to go to the Helen Meet the organizers? मैं organizers से भी मिलूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा walk करके खुद देखूंगी। Let's walk the short cut. Short cut. Let's walk the short cut. ये किसी को देखना है हर सोच या लोगों की इज्जत होगी, उनके जानो माल का तहफ्फुज होगा। मैं और मेरी पूरी टीम और खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर भी हम ऑन ग्राउंड जाएं, उनके साथ इंटरेक्ट करें। आईजी साहब मेरे साथ हैं, चीफ कमिश्नर साहब, पूरी टीम इस्लामाबाद की मेरे साथ है और हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और अल्लाह से होने का यकीन है और अल्लाह से इस्तेदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर वाफियत से ये मुहर्रम गुजारे और इसके साथ साथ एक ऐसी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म और सिस्टम हम ला सकें और इंशाल्लाह ला के दिखाएंगे जिससे हमें वक्ती तौर पे मुहर्रम आया तो तब मीटिंग हो, इस तरह ना हो। इंशाल्लाह एक ऐसी प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएंगे जिसको सराहा जाएगा और इंशाल्लाह उसके लिए सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान को खासकर नेशनल सिक्योरिटी जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसको प्रोफेशनल तरीके से कैटर किया जाएगा और जान व माल के तहफ्फुज़ और हर एक सोच की उस सोच के मुताबिक उनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी और उसकी यकीन है। सबको एहसास दिलाना है कि रियासत उनकी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आप सब पाकिस्तानी को साहब एक चीज इनके एक बड़े आलम दीन ने जब मीडिया टाक की तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से उलमा और बहुत से जाकरीन को पाबंदी लगी है, ऐसी पाबंदी 70 साल में नहीं लगाई है, तो ये क्या पंजाब का जिक्र किया है कि पंजाब में ज्यादातर। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मंसूबसी पैक चल रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी कुवतें हर लेवल पर और खासकर ऐसे मौाकों पे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को आए हुए कुछ हफ्ते हुए और ऊपर से मुहर्रम आ गया, तो हमारा जो 100 डेज प्लान है उसमें प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी और तमाम इदारों को और तमाम इंस्टीट्यूशंस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ चलने के लिए जो इंशाल्लाह अमल लाया जा रहा है, उसके बाद ये गिला किसी को नहीं होगा और हमने सबको इज्जत देनी है और सबको साथ लेके चलना है। और ये जो तमाम चीज़ें ये टीम वर्क है, पहले सिविल मिलिट्री रिलेशन आपको पता है क्या आलम था, अब सब एक पेज पे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर हम मूव करते हैं, तमाम डिसीजन मशावरत से लिए जाते हैं कि ये खासा है खातिमुन्नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को सिक्योर बनाएंगे, एक ऐसी कौम बनाएंगे जिस पर आने वाली नस्लें फख्र करेंगी। कुछ थोड़ी सी जो
ifs and buts ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے ان شاء اللہ پرائیورٹی بیس آپ ہماری عزت ہیں شکریہ مسئلہ تو نہیں ہے گھبرائے تو من کلام ہے آپ کی ٹیم کو پراؤڈ آف یو اللہ آپ کو اور عزت دے اور نوازے کچھ چیزیں میرے ساتھ علی صاحب نے شیئر کی ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میری عزت ہیں آپ ریاست کی عزت ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پروٹیکٹ کریں گے وی گو آل آؤٹ فور یو ہم آپ کو پروفیشنل پولیس بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو ٹیکنالوجی بھی پرووائڈ کریں گے پیس آف مائنڈ بھی پرووائڈ کریں گے کل کو پھر کچھ گلہ نہ کریں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ یا جو پیکج کا جو ڈفرینس ہے وہ میں میرے لیے بھی بڑا الارمنگ ہے تو ان شاء اللہ ویل ورک ایز اے ٹیم آپ میری ٹیم ہے اور آپ طریقے صفائی سے لے کر سپورٹ اسٹاف آپ اس کو بک اپ کریں وہ ہماری عزت ہیں وہی ڈیوٹیاں دیتے ہیں ہم اور آپ تو گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی میں کبھی ایک پوائنٹ کبھی دوسری پوائنٹ لیکن گرمی سردی میں یہی پولیس کے جوان کھڑے ہوتے ہیں تو ان شاء اللہ کوئی مسئلہ ہو تو آئی جی صاحب ہیں میرا آفس سب کے لیے میں نے تو جوانوں کو بھی کہا ہے کہ میرا آفس ایکسیسیبل ہے اور ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بھی ابھی انیشیٹ کیا ہوا ہے اس کے تھرو بھی آپ کی ٹیم پلیئر تو پراؤڈ آف یو دلیپ صاحب خاص کر انکروچمنٹ میں آپ کا ماشاء اللہ سارے آپ اسٹیبلس ڈی آئی جی صاحب خوش ہیں